जिंदगी, तेरी जिंदगी में कुछ खास रखा नहीं है, 2 गज जमीन देख और कब्र की निशानी बन जा। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार आदाब। शुरुआत करता हूं अपनी टूटी फूटी लिखाई से। शेर है कि जिस वक्त कोई नहीं हमारा होगा, जिस वक्त कोई नहीं हमारा होगा, उस वक्त सिर्फ पंखे का सहारा होगा। जिस वक्त कोई नहीं हमारा होगा, उस वक्त सिर्फ पंखे का सहारा होगा, और बाप का साया हो अगर तो दरिया भी कुछ कर सकता नहीं। बाप का साया हो अगर तो दरिया भी कुछ कर सकता नहीं, वरना डूबने के लिए तो काफी किनारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ख्याल पेश करता हूँ कि मैं बीता हुआ कल हूँ तो उस कल की कहानी बन जा। मैं बीता हुआ कल हूँ तो उस कल की कहानी बन जा, मैं बनूँ तेरा बाजीराव तू मेरी मस्तानी बन जा। मैं बीता हुआ कल हूँ तो उस कल की कहानी बन जा, मैं बनूँ तेरा बाजीराव तू मेरी मस्तानी बन जा। और तू जान ले मेरे बारे में बेशक सब कुछ, लेकिन कोई और पूछे तो अनजानी बन जा। और तू जान ले मेरे बारे में बेशक सब कुछ, लेकिन कोई और पूछे तो अनजानी बन जा। और जाहिर है कि इश्क प्यार मोहब्बत तो सभी करते हैं, तो इस कदर कर कि फरिश्तों की मुहजबानी बन जा। तो इस कदर कर कि फरिश्तों की मुहजबानी बन जा, ऐ ढलते उम्र मुझे फिर से सैतानियाँ करनी है। ऐ ढलते उम्र मुझे फिर से सैतानियाँ करनी है, मेरी मान तो तू फिर से जवानी बन जा। मेरी मान तो तू फिर से जवानी बन जा। और इस ख्याल का आखिरी 2 लाइन है कि ऐ जिंदगी, तेरी जिंदगी में कुछ खास रखा नहीं है। ऐ जिंदगी, तेरी जिंदगी में कुछ खास रखा नहीं है, 2 गज जमीन देख और कब्र की निशानी बन जा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शेर पेश करता हूँ। पहली लाइन झूठी है बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ही प्यारा हूँ। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही प्यारा हूँ, वजह यह है कि मैं तुम्हारा हूँ। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही प्यारा हूँ, वजह यह है कि मैं तुम्हारा हूँ। और जिसे देखकर तेरी आंखों की रोशनी बढ़ जाए, मेरी जान में कुछ इस तरह का नज़ारा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शेर पेश करता हूँ। ये नज़र करता हूँ आप सभी को कि मैं अपना सफ़र तब तक जारी रखूँगा, मैं अपना सफ़र तब तक जारी रखूँगा जब तक तुम जैसे यारों से यारी रखूँगा। मैं अपना सफ़र तब तक जारी रखूँगा जब तक तुम जैसे यारों से यारी रखूँगा, और दोस्ती करूँगा दुश्मनों से भी मगर, दोस्ती करूँगा दुश्मनों से भी मगर, यारों से थोड़ी होशियारी रखूँगा। एक और शेर पेश करता हूँ कि वक्त आने पर तो वक्त बदल जाता है, मुश्किल हालात में हर शख्स बदल जाता है। वक्त आने पर तो वक्त बदल जाता है, मुश्किल हालात में हर शख्स बदल जाता है, और बात करते हो जमाने की तुम, दुआ कबूल ना हो तो इनका खुदा बदल जाता है। एक और शेर पेश करता हूँ कि इश्क का परचम छूने से पहले ये जान लो मियाँ, इश्क का परचम छूने से पहले ये जान लो मियाँ, ये तुम्हारी जान ले लेगी ये जान लो मियाँ। कि इश्क का परचम छूने से पहले ये जान लो मियाँ, ये तुम्हारी जान ले लेगी ये जान लो मियाँ। और मैं लाख मर्तबा समझा चुका हूँ तुम्हें, एक बार फिर कहता हूँ मेरा कहा मान लो मियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर पेश करता हूँ कि ये नज़र करता हूँ अजहर भाई को, है तो नहीं उनके लिए, कि डरते नहीं हैं जमाने के डराने से, डरते नहीं हैं जमाने के डराने से, क्योंकि ताल्लुक रखते हैं मोहम्मद के घराने से। बहुत बहुत शुक्रिया।
दो एक मतलब है कि सिर्फ कि ये धरती भी रोएगी वो अंबर भी रोएगा, ये धरती भी रोएगी वो अंबर भी रोएगा, याद रख जानी जिस दिन मुझको तू खोएगा। बस एक और पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि कुणाल भाई को सुनाने के लिए था चले गए, उन्हीं को नजर है कि रातें उदास हुई चांद के ढल जाने के बाद, रातें उदास हुई चांद के ढल जाने के बाद, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ तेरे जाने के बाद। रातें उदास हुई चांद के ढल जाने के बाद, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ तेरे जाने के बाद। और शेर सुनेगा कि हरा दे मुझे इश्क की बाजी में ऐसा कोई शख्स नहीं, हरा दे मुझे इश्क की बाजी में ऐसा कोई शख्स नहीं, मैं हर इम्तिहान पास कर सकता हूँ तेरे आजमाने के बाद। बस लास्ट में दो लाइन पढ़ूंगा कि कौन कहता है कि शायर बनने के लिए दिल का टूटना जरूरी है, कौन कहता है कि शायर बनने के लिए दिल का टूटना जरूरी है, मुझे तो मेरे सनम ने शायर बना रखा है।